हाजीपुर रेलवे स्टेशन है। अपना एक दोस्त का छोटा भाई है हर्ष, उससे मिलने जा रहे हैं। वो अभी निकल रहा है जयपुर के लिए, तो मैं भी फ्री था। वो बोला कि भैया हाजीपुर से ट्रेन है मेरा, तो हम उससे मिलने चले गए। तो इसीलिए हो गया ना कि मेरे घर वालों को ऐसा डाउट हो गया कि हम कोई लड़की से मिलने जा रहे हैं, इसलिए लेट करवा दिए वो लोग। तो अभी हम 2:25 पे निकले, 3:05 का ट्रेन है। और हाजीपुर मेरे यहाँ से अराउंड पड़ता है 30 किलोमीटर, मतलब जाने में कम से कम 40 से 50 मिनट। देखो गाइस यार, पहले पहुंच गए तो उससे मिल लेंगे, अदरवाइज जाना हम लोग का वेस्ट हो जाएगा टोटल। फिर भी ट्राई करते हैं, हमें ड्राइव करना है। चलो भाई ब्लॉग एंजॉय करो, मिलते हैं आपसे ब्लॉग में। बाय बाय गाइस। हमारा हेलमेट उतार दिया क्योंकि ये टूटा हुआ है, बार बार तिरछा भाग रहा है, तो इसको गाड़ी चलाने में अनकम्फर्टेबल हो रहा है। तो अभी हम लोग को लेट हो रहा है, इसलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। उसको बोले एकदम चला, दो कार ओवर टेक कर रहा था, पीछे बाइक वाला घुस आ रहा है। इन्हीं लोग के चलते एक्सीडेंट होता है यार, खुद भी जाएगा हम लोग को भी लेकर जाएगा। गूगल मैप पे दिखा रहा है अभी हाजीपुर यहाँ से 21 किलोमीटर, यहाँ दिखा रहा है 19 किलोमीटर, मतलब करीबन 20 किलोमीटर और पहुँचा हुआ। आगे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े, इसलिए हमारा हेलमेट लगा लिया दोबारा, देखो कितना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, फिर भी लगा लिया है। चलो सामने देख के चलो। इस गरीबी में आटा गिला लो, मिल गया जाम। ट्रैफिक जाम मतलब लेट, जल्दी चल भाई। ट्रैफिक बहुत गंदा वाला जाम लगा हुआ, देख सकते हो आप, लेट में लेट हो रहा हम लोग को। गाइस ट्रेन आने में सिर्फ 15 मिनट बचा हुआ है और ये पूरा गोबर भरा हुआ। अच्छी निकल 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 निकल, पूरा गोबर गिर रहा है। तो आज ट्रेन आने में सिर्फ 15 से 16 मिनट का समय बचा हुआ और अभी भी हमें 10 किलोमीटर और जाना है, मतलब मे भी शायद पहुंच ना पाए। देखो भगवान भरोसे सब कुछ है, मिल लिए तो इतना दूर आना सफल रहेगा यार, मतलब ठीक है इतना मेहनत करके आए तो मिलना तो बनता है। बाकी देखते हैं क्योंकि ट्रेन भी ऑन टाइम है, ट्रेन भी ऑन टाइम है, सिर्फ 7 मिनट डिले चल रहा है ट्रेन। सो गाइस अभी हम लोग को हाईवे मिला, यहाँ गाड़ी थोड़ा सा स्पीड चल सकता है, मे भी टाइम से पहले पहुँच जाए हम लोग, देखते हैं। कहीं से मोड़ दो बाप के रोड है, क्या दिक्कत है, चल बाप के रोड है, कहीं से मोड़ दो साला। जिंदा हो कि नहीं। सो गाइस अभी आप लोग ये स्क्रीनशॉट देखो, ट्रेन आने में कितना टाइम है और हमारी हम लोग को पहुंचने में कितना समय बचा हुआ है। तो मे भी शायद पहुंच जाए, शायद अभी भी 6 किलोमीटर बचा हुआ है और अराउंड हम लोग को 10 से 12 मिनट का समय और बचा हुआ है। 6 किलोमीटर 10 मिनट के अंदर पहुँचना हम लोग, उसे गाइस सामने पुलिस है, रोक दिया तो दिक्कत हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ट्रैफिक पुलिस।
देखो रोके हुए सबको। चल 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 निकल चुपचाप, रुकवा देगा। आते वक्त दूसरे रूट से जाएंगे भाई, बड़ा भयंकर चेकिंग लगाया हुआ यहाँ पे तो। बस हवा निकल गई, अब महात्मा गांधी में आएगा, मैं इधर से नहीं आएगा। गाड़ी का पेपर ऊपर सब फेल है भाई, इमरजेंसी में आ गए। पुल पे मत चढ़ना, नीचे चलना, 700 मीटर के बाद राइट टर्न लेना। ये सब ट्रैफिक पुलिस बस रुकवाना थे, बाकी सब ठीक है। जय माता दी। चल 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 भाग 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 भाग, ना देख तो ना देख तो ना देख तो, इधर हो जाओ उधर हो जाओ। गाइज बस एक 1.4 किलोमीटर और लेफ्ट है, देखो बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर 1.4 किलोमीटर और लेफ्ट है, और यहाँ पे जाम देखो। जल्दी से निकल के बस पहुँच जाए, 5 मिनट भी कम से कम बात कर ले, ठीक है। गाइज टाइम देखो अब 3:11 अब पहुँच गए, देखो पूर्व मध्य रेल सामने दिख रहा है और इंडियन फ्लैग अपना दिख रहा है सामने, ये देखो। गाइस देख सकते हो आप हर जगह क्या उसको बोला जाता है, पार्किंग फी बाइक का है ओनली 10 रुपीज़। यहाँ देखो 24 रुपीज़ लिया, 24 रुपीज़। व्हाट अ बॉय, लोग क्या ही रूल है यहाँ का। चलो कोई नहीं, हम लोग पहुँच तो गए टाइम पे, मैं भी टाइम से पहले और आ जाए। गाइस ये रहा सामने हर्ष का गाड़ी, हम लोग एकदम ऑन टाइम पे हैं, जैसे हैं वैसे सामने गाड़ी हर्ष का लग गया। अब कॉल करके पूछना पड़ेगा कौन सा नंबर पे है, जा पूछ क्या। गाइस अभी उससे बात हुआ है, बोला B2 में कंट्रोल, B2 बहुत पीछे है। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा, जनता माफ नहीं करेगी। आई एम सॉरी बाबू, मतलब देखो पहुंच पाते हैं नहीं, सिर्फ 5 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे। हाँ दौड़ भी नहीं पाएंगे, ऐसे बैठे बैठे बहुत गंदा थक गए। अभी H2 के पास है देख सकते हो आप। गाइस ये रहा B1 और सामने रहा B2, मैं भी आ चुका है। HB1 B2 कितना पीछे है यार, खुलेगा ये, सही से मिल भी नहीं पाएंगे। मिल गया मिल गया, मेहनत सफल रहा, टाइम पे पहुंच गया। तो आज मरवा दिया बहुत गंदा वाला, क्या बोला तूने, हालत खराब हो गया। बाय 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 बाय। सो गाइस हर्ष का ट्रेन खुल चुका है देख सकते हो आप लोग, 15715 किशनगंज अजमेर शरीफ गरीब नवाज एक्सप्रेस। सो गाइस आप लोग, अब हम लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं जस्ट बिकॉज कि ज़्यादा लेट नहीं करना, घर भी जाना है। बगल में एक दिव्यांशु नाम का मेरा दोस्त रहता है, हाजीपुर में ही रहता है स्टेशन के बगल में, एक बार उससे भी मिल लेते हैं, उसके बाद घर के लिए निकलते हैं। क्योंकि आप प्लेटफॉर्म टिकट ले लिए 2 घंटे के लिए, 2 घंटा तक तो रुकना पड़ेगा ना, पैसे वसूल करेंगे, यो बिग माइंड बेबी। तो अमर इस टूर के बारे में कुछ कहना चाहोगे, बोल रहा है कुछ नहीं कह सकते सर, कुछ कहना चाहोगे, कुछ बोलो, जनता जवाब दे देंगी। मार लेंगे जो यार, GRP RP कोई नहीं बचाएगा। गाइस सर हमको मार रहा है सर, अरे सर मजाक नहीं कर रहे, गिर जाएंगे रे। इस लड़के के चलते हम सुबह से भटक रहे हैं, देख सकते हो गुटकेबाज को, गुटके खा रहा है। बोलो जुबा केसरी। यहाँ जा रहे हैं लोग मार्केट की तरफ, कुछ खाते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर आप लोग से बात करते हैं। वो स्कूटी लेके आ रहा है इधर ही, तो हम लोग इधर ही हैं पहले से। सो गाइस दिव्यांशु के साथ हम लोग अभी इसके घर जा रहे हैं, सामने देख सकते हो दिव्यांशु वाला NS77 पटना वाला है ये, तो मैं भी इधर से ही जाएंगे क्योंकि बगल में तो चेकिंग लगाए हुए हैं पीछे। 4 साल बाद हम लोग मिले हैं, जब एक्सीडेंट से पहले 5 साल होने वाला है, 5 साल 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उससे पहले से इससे मिले हुए, अप्रैल में एक्सीडेंट हुआ था, मैं भी जनवरी में इससे मिले हुए हैं। बस सोच लो गाइस कितना लंबा टाइम हो गया इससे मिले हुए। गाइस यार देखो कितना छोटा पप्पी है, अभी एक इसकी मम्मी इसके साथ थी, हटा दो चलो आगे। बाद कोई इसको दाब दिया यार बाइक से, बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत गंदा बुरा, इसको साइड कर देना कोई और चढ़ा देगा। चलो गाइस ये जितना आप देख रहे हो ना ये सब जंगल, पता है ये सब इसका बगान है, बगान बोले तो बगीचा। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल
पहले पूरा इधर आम का पेड़ फरा था, सब देख रहे हो ना, पूरा आम का पेड़ से भरा हुआ रहता था, पर अब तो पूरा जंगल हो गया था, पानी पूरा भर गया था, तब तो पूरा जंगल हो गया, देख सकते हो आप। हाजीपुर में जो बाढ़ नहीं आया था, पब्लिक को तो पता ही होगा, बिहारी होंगे। हाँ, हाजीपुर में बाढ़ आया था, उसी में सारा सत्यानाश हो गया। सत्यानाश, ओ गाइस, देख सकते हो आप पूरा जंगल। अंदर चलते, बढ़ते चलिए। अच्छा, बढ़ते चलना। इधर लीची का पेड़ है, ये कौन सा? ये वाला। अच्छा गाइज, मेरे ऊपर जस्ट लीची का पेड़ है जो फरा हुआ नहीं है, फरेगा तो हम सबसे पहले तोड़ के खाने आएंगे। आप लोग को नहीं देंगे, दिखा दिखा खाएंगे, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। एक लाइक ठोको। कोई तरीका है भीख मांगने का? अमरूद का पेड़ है ये, हाजीपुर का अमरूद का पेड़ है गाइज। सब प्रजाति का लीची है ये, दूसरे प्रजाति का लीची। अब हम लोग को दिव्यांशु गाइड करने वाला, अपना बाग पूरा घुमाएगा हम लोग को। आम का पेड़ है भाई। हाँ भाई, ये तो पता है भाई, इतना तो हम लोग भी जानते हैं। दूसरा वाला है। अच्छा, दूसरा आम भी, दूसरा तीसरा होता है क्या? कश्मीरी आम है। अच्छा, कश्मीर से पेड़ लग लगाए हो। नेक्स्ट एक ही चीज का पेड़। यहाँ पे देखिए, कुछ दुष्ट प्राणियों ने पार्टी किया है। हाँ, चखना उखना लगा हुआ है, दारू लग रहा है, चीलम उलम कोई फूका है। जामुन का पेड़ है भाई, जामुन का पेड़ का देख सकते हो आप। एक इसका वो टूट गया एक। और दिव्यांशु, कुछ नॉलेजेबल यहाँ पे? नॉलेजेबल ये है भाई, ये तुम्हारा पीर बाबा का मजार है, बहुत पुराना ये। हाँ, उधर जाने का कोई रास्ता? वहाँ से जंगल में जाना होगा। जंगल में मंगल आ जाओ भाई, जंगल में मंगल करने चलते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो गाइस, जंगल टू जंगल हम और दिव्यांशु, यहाँ से यहाँ उधर जाना होगा, पहले हम जाते हैं। अच्छा, इस पर चढ़ के जाना पड़ेगा। ओ गाइस, दीवाल तर पा रहा है, बॉर्डर पार करवा रहा है गाइस, तारों के ऊपर से, सब नीचे से किया है ऊपर से। देखो, दिव्यांशु पहले जाने वाला है, चोरी करने वाला है। ये कुछ यूनिक है गाइस, आई थिंक मैं ना कर पाऊँ, पर देखते हैं। तेरे को खींच लेंगे हाथ से। ओम फो। सो गाइस, अब हम ट्राई कर रहे हैं, आप आते हैं कि नहीं? कोशिश करो, आ जाएगा, यह सहादत है। I will try my best bro. But let's see what will happen. Okay. मैंने कर दिखाया गाइस, बस। सो गाइस, देख सकते हो यहाँ से नीचे जंप करना तो मेरे लिए पॉसिबिलिटीज नहीं है, बाकी मैं ऊपर से ही दिखाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ। पीर बाबा का मजार है, बहुत ही पुराना, मैं भी ये बता रहा 50-60 साल पुराना। ये मेरा कलुआ कुत्ता, ये इसका कलुआ है, नरगद्दा वाला कलुआ, देखो इसका कलुआ है। कल्लू, इसका कल्लू, कल्लू, अरे कल्लू बोले, मैं तकरा रहा, पोछी ला रहा कल्लू, मैं नहीं मानता। अरे भाई साहब, गाइस देख सकते हो मुश्किल से कितने छोटे रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, थोड़ा सा लेफ्ट राइट हुआ तो सीधा 102 पे कॉल करना पड़ेगा, 108 पे एम्बुलेंस पे। यहाँ काई भी लगा हुआ है गाइस, देख सकते हो आप, ग्रीन में मे बी। फिर हम लोग वापस कैसे आएंगे? वही तो सीन है ना, छोड़ो रहने दो, यहीं से दिखा देते हैं। गाइस देख सकते हो यहाँ पीर बाबा का मजार है, बहुत पुराना। बाकी दिव्यांशु बताएं कितना पुराना है? मे भी 50-60 साल। 50-60 साल मतलब अराउंड तुम्हारे जन्म के 40 कितना 20 साल पहले का? 20 साल पहले का। हाँ, हाँ। चलो, जब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ये देख लो, दुआ आप लोग मांगना चाहो तो मांग सकते हो, मैंने तो मांग ली 1 मिलियन हो जाए जल्दी से। औकात में रहो, यहाँ पे बहुत धूमधाम से, साल में एक बार पूजा होता है, ये पूरा सजाया जाता है धूमधाम से, और एक ही बार पूजा होता है। अब नीचे उतरने का प्लानिंग किया जाए। कल्लू हेल्प करेगा क्या? नहीं, कल्लू का एक बच्चा भाई को चढ़ा दिया, कल्लू के बच्चे। ओम्फो, आई फील सो सैड। फिर हम उतरने का कोशिश कर रहे हैं, जाके रखो सही है, मार सके ना कोई, मार सके ना कोई। बिल्कुल गाइस, ठीक से या ब्रो, डन गिरा। व्यांशु तो इधर का एक्सपर्ट होगा गाइस, कर लो बूम। हम लोग इधर से निकल रहे हैं गाइस, जंगल से। आप लोग को दिखाने के लिए सिर्फ मैं इतना अंदर आया था और इतना रिस्क लिया। एक लाइक तो बनता है यार, ठोक दो लाइक। कोई तरीका है भीख मांगने का? बीज होता है, बीज बोले तो बिया, जिसे तेल बनता है, ठीक है, जो कौवा अपने मुंह में लेके घूमता है, ठीक है, गिरा देता है जमीन पे, ठीक है, उसी का ये पेड़ है। बीज का नाम नहीं पता बस, बट उसका तेल को मतलब हड्डी में मालिश करने से दर्द वर्द ये सब भागता है। व्हाटएवर,
तो गाइस बाहर आप एक छोटा सा बच्चा देखा डॉग का, जो मे भी किसी ने बाइक चला दिया, इसी कलुआ का था। जनता माफ नहीं करेगी। सो गाइस अमरूद के पेड़ पे देख सकते हो आप, छोटा छोटा कच्चा कच्चा अमरूद लगा हुआ, मे भी एक पका मिल जाए तो हाजीपुर का अमरूद खाने का स्वाद आ जाएगा। सर्चिंग में लगे हुए हम लोग गाइस, देख सकते हो पूरा केले का पेड़ है, हाजीपुर का केला जो फेमस, आप सुने हाजीपुर के केलवा। क्या क्या अमर अच्छा पूरा बोलो, आदमी कंफ्यूज हो जाता है। मुठिया केला। कौन केला? मुठिया केला। मुठिया केला, मुठिया केला गाइस। कौन गलत समझ रहा है? ठीक, आप लोग ईंक का पेड़, ईंक बोले तो ऊख। पीछे देख सकते हो गाइस गन्ने का पेड़ है, सुगर केन व्हाटएवर। स्पेलिंग बोले तो हमारे सुगर केन का, स्पेलिंग बोलो सुगर केन का। हम थोड़ी ना बोला। ये फंस गया सी है, आ गया लाइन पे। कार है ये, बुलेट है। गाइस देखो गरीब बोल के कार और बुलेट दिखा रहा है। नंबर गाइस मैं ब्लर कर दूंगा जस्ट बिकॉज प्राइवेसी। बाकी देख सकते हो गरीब बोल के कार और ये दिखा रहा है। हम लोग अंदर जा रहे हैं दिव्यांशु के घर के अंदर, अराउंड 4-5 साल पहले आए थे, याद है मुझे, रूम के अंदर। यो गाइस देख सकते हो दिव्यांशु का टर्टल कछुआ। गाइस देखो अमर कहाँ बैठा हुआ, नीचे देखो ये पूरा जंगल बगान जहाँ पे अभी आप लोग को दिखाए थे, देखो कहाँ बैठा हुआ। गिर साला गिर 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 साला गिर गिर। कंट्रोल गाइस, ये लोग का फोटोग्राफी देखो, ये देखो कहाँ ये लोग खड़ा दिखाते हैं आपको, ये देखो नीचे, ये इतना गहरा, मतलब फोटोग्राफर फोटो जो खिंचवा रहा दोनों एकदम, वो जो बोलते हैं ना सी मीम डाल देंगे, बाकी आप लोग समझ जाओगे। चलो गाइज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, इसे बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, फोन आ रहा है, बहुत बार फोन आ चुका है यार, मतलब कि हम बोले थे 1 घंटे में आ जाएंगे, देखो 5:13 पे हम लोग यहीं पे, बिल्कुल बिल्कुल संडे को आते हैं। अभी जंगल एक्सप्लोर करें तो तब तक तुम ही आ जाओगे ना परसों? परसों हाँ, तो कुछ न्यू देखने को मिलेगा आप लोगों गाइज। बिल्कुल भूतिया हवेली में हम लोग पूरा रात गुजारने वाले हैं गाइज, नया कंटेंट हम लोग का आने वाला है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। बाय बाय। तो गाइस 5:16 पे हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, देखते हैं घर जाने में कितना टाइम लगता है। मैनेजर भी अपना आने वाला है रास्ते में ही, अगर मैनेजर रास्ते में हम लोग को भेंट हो गए तो उसको पिक कर लेंगे साथ में। अब हमको डर लग रहा है चेकिंग का, क्योंकि वहाँ चेकिंग लगाया हुआ था, पकड़ लिया तो हालत ख़राब कर देगा, जस्ट बिकॉज गाड़ी का पेपर भी नहीं है। और हम सो गाइस आ चुके हैं हम लोग NH-77 पे, जिधर मैं उधर से ही जाने का सोच रहे हैं, जस्ट बिकॉज इधर पटना में महात्मा गांधी सेतु पे इस वक्त जाम बहुत ज़्यादा, गंदा ट्रैफिक जाम मिलेगा, इसलिए इधर में ही जाएंगे वापस मरीन ड्राइव होते। चलो मैं सुबह सुजीत को पिक करके हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, अब यहाँ से मुश्किल से घर जाने में 15-20 मिनट काफी है, 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो गाइस देखिए नोबिता व्लॉग क्या कर रहा है, इसको रोटी बनाने का स्टाइल देखो, ट्राई कर रहा है तो तुमको दिक्कत हो रहा है, तुम खुद से बनाओगे नहीं, हम बना रहे थे, तुमको बड़ा दिक्कत हो रहा है। वाओ क्या रोटी है, एक रोटी का फोटो दिखा दे, हटाओगे? नोबिता व्लॉग कर रेडी, रोटी तैयार। देखिए यहाँ साइड साइड में फट गया, तो कह रहा टेप मार दे, बस टेप कहाँ से मारे, तुमको नहीं पता। गाइस ये मेरा रोटी है और ये अमर बेलड़ा है, सच्चे तो लड़की औरत नियर काम करता है। हम खाना बड़ा अच्छा बना लेते भाई, रोटी नहीं बेलाता। नहीं गोल बेल के तुम क्या साबित करना चाहते, तुम अच्छे हो गाइस, कमेंट करो ये आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, मेहनत से बनाया, प्लीज मेरे से बड़ा कमेंट कर देना। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? अगर मैं जीता तुमको अगले वीडियो में 50 बार पुशअप्स करना पड़ेगा स्टेशन पे, 20 बार पुशअप्स करना पड़ेगा स्टेशन पे सबके सामने, अगर मैं हारा तो मैं करूंगा, बोल मंजूर ना। गाइज आप बताओ ये अच्छा लग रहा है ज्यादा देखने में रोटी, यही अच्छा लग रहा है, आप खुद कमेंट करो। गाइज अगर मैं हारता हूँ, अगर ये मेरा रोटी का वोट कम आता है तो मैं स्टेशन पे जाकर दानापुर स्टेशन पे सबके सामने 20 पुशअप्स करूंगा, अगर ये हारता है अमर हारेगा तो ये सबके सामने 20 पुशअप्स करेगा। गाइज चैलेंज है, कमेंट करो जल्दी से। धक धक हो रहा है, नोबिता व्लॉग गैस चालू कर रहा है। हाँ तो क्या इसमें गाइज क्या करेंगे बताओ, इससे गैस भी चालू नहीं हो रहा है, क्या हुआ, झटका मारा? नहीं कुछ नहीं है, कुछ टेक्निक है, टेक्निक। हाँ चल झूठा।